बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मुझसे। दुख भाई, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? जाल, जाल बिछाया उन्होंने। गुंदोग्दू को पकड़ लो, बाकी सबको मार दो। मुझे शिकस्त ये पता है, तो फाते नहीं बन सकते। अर्तुरुल, जहरीला धुआं फैला दिया था उन्होंने, लेकिन हम ठीक हैं। शुक्र अल्लाह। हमें फौरन अपने कबीले वापस चलना चाहिए भाई, हो सकता है ये अपना असर कुछ देर में दिखाए। उमरुलार कबीला काई कबीले के हुक्म पर हरगिज नहीं चल सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमारी अपनी रिवायात है। अगर हम इन छोटी छोटी मुश्किलात की वजह से किसी को भी सरदार बनाने लगे तो हम अपने कबीले की शनाख्त खो देंगे। वो मलून भाग गया भाई। शुक्र है अल्लाह का कि वो नाकाम हो गया। उसका ताकुब करो अब्दुलरहमान, सिपाहियों को ले जाओ। जो हुक्म आपका भाई। कोई भी हमारे कबीले से गद्दारी करेगा और उमरुलार कबीले के उसूलों से इन्हिराफ करेगा, वो ये अच्छी तरह जान ले के मेरी तलवार उसका सर कलम कर देगी। सही कह रही है। उन जालिमों ने क्या किया बेटा? वो कुछ नहीं कर पाए वालिदा, उनके सारे मंसूबे नाकाम हो गए। एक अच्छी खबर है आपके लिए। क्या है अर्तुरुल, बताओ मुझे। हमने अपने दुश्मनों को बाजी में जो जवाब दिया वही जवाब आज भी है। खून का बदला सिर्फ खून है, इंतजार। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि दुश्मन का मुकाबला करके हम मिलकर उसका सर उतार सकें। इंशाल्लाह भाई। जब तक दरिया खून से ना भर जाए, इंतकाम। दुश्मनों की खोपड़ियों का पहाड़ बनने तक इंतकाम। अलबास्ती की अजीम बहन, क्या आप अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए तैयार हैं? इससे बढ़कर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। तो फिर हमारी तरफ से खबर का इंतजार करें, आरिमु का खुद आपसे मिलने आएगा। कहाँ? अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद अतुल सरदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनातोलिया से खुरासान तक, मावरा अल नहर से लेकर किपचक के इलाके तक के चारों जानिब से हमारी तंजीम के नुमाइंदे आगाज जंग से पहले अपना लाए अमल तय करने के लिए और इस मामले को हतमी शक्ल देने के लिए खुद यहां तशरीफ लाए हैं। हमने किपचक के ताकतवर कबाइल से राबते किए हैं। मंगोलों से जंग करने के लिए तमाम कबाइल आमादा है और हमें अनातोलिया में कौन से तुर्क कबाइल और रियासत से बाहर किन लोगों से बात करनी है हम जानते हैं। जंग के शुरू होते वक्त कबाइल के लिए बुलंद पहाड़ों का इंतखाब किया है हमने। तो ये बात तय है कि सब कुछ तैयार है और अब सबसे अहम बात, बरके खान के लश्कर के साथ हमारे इत्तेहाद को हतमी शक्ल देना बाकी है क्योंकि इस इत्तेहाद की तकमील के बाद ही हम अपने घोड़े दौड़ाने, तलवारें बेनियाम करने और अपना परचम बुलंद करने का तायुन करेंगे। बरके खान के जासूस तुरंताई से मुलाकात हुई थी मेरी, अगरचे वो अरेक बुका के जाल का शिकार बन गया लेकिन बरके खान इस बड़ी जंग में हमारी मदद करेंगे उसने बता दिया था मुझे। इस ताउन के सिलसिले की पहली खेप अनातोलिया पहुंच रही है अर्तुल सरदार। वो खेप बहुत जल्द हम तक बाजंतीन से होती हुई पहुंचेगी। हमें उस इमदाद की बहुत मोहतात होकर हिफाजत करने की जरूरत है क्योंकि अनातोलिया में मौजूद तमाम बड़े कबाइल जंग में शरीक होंगे और इस मकसद के लिए उन्हें हथियार, घोड़े और जरूरत की हर शय दरकार होगी। वो जगह जहां से वो सोना उठाएंगे तुरुमताई के पास मौजूद दस्तावेज में तहरीर थी, वो दस्तावेज हमारे पास है। मंगोल उस सोने तक पहुंचने में हमारे लिए रुकावट बनेंगे। मैं तदबीर करके उस सोने का हुसूल यकीनी बनाऊंगा। आरिक बुका ने आपको तुरुमताई के साथ देखा, ये अच्छा नहीं हुआ। ये बात आरिक बुका हराकू खान तक पहुंचाएगा। आपके और बरके खान के राबते को वो उसके सामने जरूर आश्कार करेगा। मुमकिन है कि वो आपको हदफ बनाकर मारने की कोशिश करें। क्या बात है, इतनी उजलत में क्यों आए हो? खुफिया खबर आ गई है। कहां से? बरके खान के उताक से। लाओ। यानी बरके खान खुफिया तौर पर सोना अनातोलिया भेज रहा है। अर्तुरुल, उसे तुम्हारे अलावा और कोई हासिल नहीं कर सकता। बरके खान के आदमी सऊद पहुंचने वाले हैं, वो संदूकों में सोना लेकर आएंगे। दिल की कोया में मुलाकात करेंगे वो। फौरन अपने आदमी जमा करो, वो सोना अर्तुरुल के हाथ नहीं लगना चाहिए। जैसे आपका हुक्म। अगर वो उन तक पहुंच गया तो हम मिलकर उसे खत्म कर देंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खबर लाने वाले को मेरे पास भेजो। हलाकू खान को मक्तूब भेजने का वक्त आ गया है। वो मक्तूब अर्तुरुल के लिए मौत का पैगाम साबित होगा। अर्तुरुल,
बरके खान के साथ अपना काम जारी रखो। बरके खान की आंखें, कान और उसकी जुबान, वो सब हमारे इख्तियार में है। हलाकू खान सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे इत्तेहाद और भाईचारे को, जो हमने बहुत काविशों से कायम किया है, हमारे शहीदों की जानों का नजराना देकर बंधने वाली हमारी उम्मीदों को भी हर सूरत को चलने के लिए अपनी फौज भेजेगा। अरिक बुका को ये मालूमात हलाकू खान तक पहुंचाने से हर सूरत रोकना होगा हमें। उसके लिए हमारे पास बहुत अहम मालूमात हैं अर्तुल सरदार। ये ताजा तरीन मालूमात अभी मौसूल हुई हैं। एंग्रू के इलाके में एक कारवां सराय है जहां हलाकू खान के सारे जासूस एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जासूसों से हासिल होने वाली तमाम मालूमात वहीं जमा होती हैं और उसके बाद वो मालूमात हलाकू खान तक पहुंचाई जाती हैं। उस शैतानी जगह के बारे में हमारी हासिल करदा तमाम मालूमात इस मकतूब में मौजूद है। इन मालूमात की तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं अपने सिपाहियों को रवाना कर दूंगा। अरिक बुका की जानिब से भेजी जाने वाली मालूमात कारवां सराय से कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हलाकू खान तक ये मालूमात मैं किसी सूरत पहुंचने नहीं दूंगा। लेकिन मंगोलों के जासूस सिर्फ अनातोलिया में ही नहीं है। क्या आपको किसी पर शक है अर्तुल सरदार? आज तक बरके खान से कायम हमारे सारे ताल्लुकात हलाकू खान के इल्म में आ चुके हैं, यहां तक के बरके खान के जासूस तुरंताई की यहां मौजूदगी भी उसके इल्म में थी। ये सारी चीजें एक बात का इशारा दे रही हैं, बरके खान का कोई करीबी आदमी मंगोलों के लिए जासूसी करता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें भी इस बात का खदशा है। अब आपके कांधों पर एक और अहम जिम्मेदारी है अर्तुल सरदार। बरके खान का जासूस तुरमताई मर चुका है और उसका कत्ल हमारे इलाके में हुआ है। यह बात बरके खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ये मसला यकीनन जासूसों और सफीरों के जरिए मुजाकरात से हल नहीं होगा। आपके अलावा और कोई नहीं है जो बरके खान से बात कर सके। यही सबब है कि आप इस मसले को हल करने और उस मंगोल जासूस को बेनकाब करने और साथ ही अपना इत्तेहाद मजबूत करके हतमी शक्ल देने के लिए बजाते खुद वहां जाकर बरके खान से मुलाकात करें तो बेहतर होगा। आपके रास्ते में और जहां आप जा रहे हैं वहां भी बहुत सी मुश्किलात आपकी मुंतजिर हैं अर्तुरुल सरदार। अजीम मकसद के लिए उस्तवार होने वाला रास्ता पुरखतर ही होता है। इन मुश्किल रास्तों को जरूरत है बहादुर जंगजुओं की, क्योंकि रात जितनी स्याह और तारीख होगी तो उस रात के गुजर जाने के बाद हमारी फतह का सूरज उतना ही रोशन होगा। बहुत से मजलूम आजादी की रोशनी के मुंतजर हैं। इस रोशनी को जिला बख्शना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस मकसद के लिए इस सख्त और कठिन जिम्मेदारी का बोझ उठाना हमारे लिए शर्फ है। जिसने खुफिया संदूक हासिल किया, केकव उसको अगवा किया और अलंजक को मार डाला, वो काई कबीले का सरदार अर्तुरुल है। अनातोलिया में हमारे एक बहुत अहम आदमी अलबास्ती को भी मार डाला, अब वो बरके खान से इत्तेहाद करके हमारे खिलाफ अनातोलिया में बगावत शुरू कर रहा है। अगर उस अर्तुरुल और उसके कबीले का पूरी तरह खात्मा ना किया गया तो अनातोलिया में बगावत शुरू हो सकती है। इस मकसद के लिए मैं फौरी तौर पर अपने खान की जानिब से लश्कर भेजने का मुंतजर हूं।
ये मकतूब फौरी तौर पे तबरेज पहुंचाना है। तुम जानते हो इसे किसे देना है? आ जाओ तैमूगे। क्या हुआ, वो लड़की बदला लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल ठीक कहा, वो तैयार है। वो इंतकाम की आग में जल रही है, बस आपके हुक्म की मुंतजिर है। मेरे अजदाद कहते थे कि फितनाबाज खातून से ज्यादा कोई तबाही नहीं ला सकता। जो वो कर सकती है कोई नहीं कर सकता। उसका दिल इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा है। मैं बात करूंगा उससे ताकि वो उमूर उलार कबीले में अपने अंदर की आग उतार सके। उमूर उलार में लगी आग काई कबीले को भी अपनी लपेट में ले लेगी। मंगोल जासूस जिस कारवांसराय में जमा होते हैं, सारी तफसीलात इस दस्तावेज में मौजूद हैं। बहुत बेहतर भाई। क्या दूसरे सिपाहियों को भी साथ ले जाना है? सिपाहियों की जरूरत नहीं, ये काम तुम गुंदुस और गुनकुद करोगे। भेस बदल कर जाना, मोहतात रहना। बेफिक्र हो जाए। तो मतलब इस मकतूब के पहुंचने के बाद मंगोल सऊद पर हमला कर सकते हैं? यही सबब है कि यह मालूमात कारवां सराय तक पहुंचने से रोकना है हमें। अगर जरूरत पड़े तो सब कुछ खत्म कर देना बमसी, लेकिन वो मालूमात लिए बगैर वापस नहीं लौटना। जैसा आपका हुक्म। मैं कल बरके खान से मुलाकात के लिए जाऊंगा। मलिक शाह, तुम फौरन उमरुल्लार कबीले जाकर इलबिल के खातून से कहो काई कबीले आ जाए, कुछ अहम मसाइल पर बात करनी है उनसे। जो आपका हुक्म भाई। भाई, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद हमें क्या करना होगा? अब गौर से सुनो मेरी बात। अल्लाह आसानी फरमाए खवातीन। बहुत शुक्रिया अलगे खातून। जो ताजर ये माल लेकर जाएंगे वो मुंतजर हैं हमारे। हमें ये काम बहुत तेजी से मुकम्मल करने होंगे। हम कर लेंगे अलगे खातून। ठीक है। थी तुम सिरमा? खवातीन ने जनाजे से आने के बाद काम भी शुरू कर दिया है। मैं सबके जाने का इंतजार कर रही थी बाजी, आखिर वो जनाजा हमारे भाई का था। मंगोलों की वजह से मैं खुफिया रास्ते से आई हूँ। अब तो हर शहर से खौफ आता है मुझे। आर्तरुल सरदार को मारने की कोशिश करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत खौफ सदा हूँ। मलिक शाह है ना ये? तो आसानियां हो इलबिल के खातून। बहुत शुक्रिया मलिक शाह, खैरियत तो है? जी हाँ, खैरियत इलबिल के खातून। अर्तुरुल भाई ने आपको अताक में बुलाया है, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। सरदार आला का हुक्म सर आंखों पर, मैं हाजिर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ मैं। खुसूसी तौर पर आपको बुलाया है, यकीनन कोई अहम बात होगी। ये तो वाजे है कि वो शादी के बारे में बात करेंगे। हमें भी अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा सब्र करो सिरमा। वो अगर शादी के बारे में बात करना भी चाहें तो भी हमें पहले अपने कबीले के मामलात को देखना होगा।
मुझे पहले यह सरदारी का मनसब किसी अहल शख्स को सौंपना है। आप कहना क्या चाहती हैं बाजी? जब मैं काई कबीले चली जाऊंगी तो हमारे कबीले का सरदार कौन होगा? पहले हमें इस बात का तायुन करना है। मैं अर्तुरुल सरदार की दावत से वापस आने के बाद जो जरूरी हुआ वो फैसला करूंगी। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस मुश्किल से भी निजात मिल गई। बेशक, शुक्र है अल्लाह का। वालिदा, आपने क्यों जहमत उठाई? मुझे कहती थी जंग से लौटे हुए बेटे के लिए शरबत बनाना कोई जहमत की बात नहीं है। पियो बेटा। बहुत शुक्रिया वालिदा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया वालिदा। मेरे बेटों ने जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद होकर उन्हें शिकस्त दे दी। हमारी तलवार हमेशा जालिमों के खिलाफ कारदार रही है। तुमने आके इसे और भी कारदार कर दिया। हमारा औताक और कबीला खुश था। तुमने इस खुशी को दुगना कर दिया गुंदोगदू। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद अर्तुरुल। बहुत शुक्रिया वालिदा। शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का, उसने मेरे बच्चों को जालिमों के खिलाफ फतायाब किया। एक माँ को इससे ज्यादा क्या चाहिए? अर्तुरुल तशरीफ रखो बेटा। बहुत शुक्रिया वालिदा। मैं देती हूँ। शुक्रिया भाभी। अजदाद के खून और अपनी मां के शीर का हक अदा करने की कसम खाई थी हमने वालिदा। अल्लाह जब तक हमें इस कसम को निभाने की तौफीक देगा, जालिमों का सर कलम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जंग की आग में कूदने के बाद जब भी वापस आपकी शफकत के साए में आएंगे, आपके इस शरबत से तरोताजा हो जाएंगे इंशाल्लाह। जरूर सलजान बेटी, खवातीन से जाकर कहो मैदान में जल्दी से एक बड़ा सा चूल्हा रोशन करें। फतह की खुशी में गाजियों के लिए हलवा बनाऊंगी मैं। जो हुक्म वालिदा। हमें इजाजत दीजिए। खुश रहो बेटा। बहुत शुक्रिया वालिदा। बल्कि खान हमें जो सोना भिजवा रहा है वो बाजंतीन के रास्ते हम तक पहुंचेगा। वही रास्ता मुनासिब है भाई। अगर अनातोलिया के रास्ते से आते तो यकीनन मंगोल वहां घात लगाए बैठे होते। उसका एहतमाल अभी भी मौजूद है भाई। कैसे? बरके खान के करीबी आदमियों में कोई मंगोल जासूस मौजूद है। वो जरूर उस सोने के बारे में उन्हें बताएगा, इसलिए मंगोल हमारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। तुरंत आई से हमें मिलने वाली दस्तावेज के मुताबिक मुलाकात का मकाम तिलकी कोया बताया गया है। मोहतात रहिएगा। तुम फिक्र मत करो अर्तुरुल, मैं मोहतात रहूंगा। वो तिलकी कोया हमारी जंगी तैयारियों के लिए बहुत मुनासिब है। हम बरके खान से राबते के लिए इस खास मोहर का इस्तेमाल करते हैं। सोना लाने वाले जब इस मोहर को देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा। भाई, यह सोना बहुत कीमती है हमारे लिए। अनातोलिया के तमाम कबाइल में इसे तकसीम करना है। घोड़े, तलवारें और जरूरत की हर शय इसी सोने से खरीदी जाएगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुर्क कबाइल मुश्किल में आ जाएंगे और बरके खान का एतबार भी हम पर से उठ जाएगा। मैं सूरत हाल से वाकिफ हूं मेरे भाई, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ।
یہ سونا در حقیقت ہمارے لیے صرف سونا ہی نہیں بلکہ یہ تمام ترک قبائل کے لیے جنگی ساز و سامان بھی ہے میں اس اہم ذمہ داری میں کسی قسم کی غفلت نہیں ہونے دوں گا تم پریشان نہ ہو بہت شکریہ میں کل برقی خان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا جنگ کے آغاز سے پہلے ہمارے سامنے یہ ایک آخری مگر سخت ترین آزمائش ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جو اس سخت اور مشکل راستے میں ہماری مددگار ثابت ہوں گی لیکن ہم نے عہد کیا ہے کہ ہر جال کو توڑ کر ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اپنی پوری طاقت سے امید کا یہ الاؤ اناتولیا میں اپنے ہاتھوں سے روشن کر دیں گے اتنا کافی ہے صاف جی بہت شکریہ اس شوربے سے بہت فرق پڑا ہے بہت شکریہ ترگو چاچا شفا ہوگی انشاءاللہ آمین اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے یہ شوربہ کون پلاتا مجھے شکریہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ترگو چاچا آپ قبیلے کے سبھی بچے آپ کو چاچا مانتے ہیں پیار ہے تم لوگوں کا اندر آ سکتا ہوں ترگت سردار آ جائیے محترم زحمت نہ دیجئے خود کو ترگت سردار آرام کیجئے میں آپ کی صحت کے لیے فکر مند تھا سو دیکھنے چلا آیا شکر ہے اللہ کا محترم ٹھیک ہوں میں ان لوگوں نے بتایا کہ آپ مستقل میرے ساتھ رہے بالکل میرے خواب کی طرح آپ در حقیقت میرے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا خواب سچ ثابت ہوگا انشاءاللہ آمین آمین سب اچھا ہوگا انشاءاللہ جنت جیسی جگہ تھی صاف شفاف پانی ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے اور پھر میں نے آپ کو دیکھا اور آپ گلاب لگا رہے تھے اور جب میں نے پوچھا کہ کیوں لگا رہے ہیں آپ نے کہا کہ شہیدوں کے لیے لگاتا ہوں میں پھر آپ نے مجھے شہادت کے بارے میں بتایا ماشاءاللہ بہت خوبصورت خواب ہے اللہ تعالی خیر کے ساتھ زندگی عطا کرے آمین اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے آمین آمین شہادت کا جب ذکر ہوتا ہے تو میرے ذہن میں بہت سے نام آتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ایک شہید میرے دل میں بس گیا ہے ویسے تو بہت سے عظیم شہید ہیں لیکن ایک غریب محزون شہید مجھے بار بار یاد آتا ہے کیا بتائیں گے آپ ان کے بارے میں کون تھے وہ ایک نوجوان صحابی سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رنگت سیاہ تھی وہ اس کی وجہ سے مسترب رہتے تھے حضرت سعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے وہ بہت پریشان اور افسردہ تھے کہا کہ یا رسول اللہ میرے چہرے کی سیاہی جنت میں داخلے سے روک دے گی کیا
पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मुझे कुदरत रखने वाले अपने रब की कसम है, अगर तुम अल्लाह की इताअत करते हो और उसके पैगंबर की तालीमात पर ईमान रखते हो तो तुम्हें कोई भी शय जन्नत में दाखिले से नहीं रोक सकती। हजरत साद ने पैगंबर के सामने अपना दिल खोल के रख दिया और कहा कि तो फिर सारे लोग मुझे हकारत से क्यों देखते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी बेटी का हाथ कोई क्यों नहीं देता। पैगंबर अकरम ने हजरत साद से फरमाया कि आमिर बिन वहाब के घर जाओ और उनसे कहो रसूल अल्लाह ने सलाम भिजवाया है और उन्हें अपनी बेटी का निकाह तुमसे करने को कहा है। हजरत साद पैगंबर अकरम की हिदायत के मुताबिक उसी वक्त आमिर बिन वहाब के घर पहुंचे, उन्हें पैगंबर अकरम का पैगाम दिया। उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा, फरमाया मैं घर में मशवरा कर लूं उसके बाद आपको जवाब दूंगा। लेकिन उनकी बेटी ने कहा अगर रसूल अल्लाह को यह बात मुनासिब लगती है तो मुझे भी ये रिश्ता कबूल है, हमें मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं बाबा, हरगिज नहीं। और फिर हजरत आमिर ने वो रिश्ता कबूल कर लिया। हजरत साद ने फौरन ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वो जब अपनी जौजा के लिए तहाइफ खरीदने बाजार गए तो उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। पैगंबर अकरम का मनादी बुलंद आवाज से मुसलमानों का मुहासरा करने वालों के खिलाफ मोमिनीन को जंग की दावत दे रहा था। शादी की ख्वाहिश रखने वाले और रब की खातिर शहादत का शौक रखने वाले हजरत साद तजब्जुब का शिकार हो गए कि वो अपनी जौजा के साथ रहकर एक खुशगवार जिंदगी गुजारें या फिर तलवार उठाकर जंग में शरीक हो जाएं। उन्होंने एक मुश्किल फैसला किया, अपनी होने वाली जौजा के लिए तहाइफ के दिरहमों से तलवार खरीद ली, अपने घोड़े पर सवार हुए और जाके लश्कर में शामिल हो गए। अपनी पूरी कुव्वत से जंग करने वाले हजरत साद ने अपने घोड़े से उतरकर आस्तीनों को चढ़ाया और पैदल ही मैदान में जंग करने लगे। बिलाखिर हजरत साद जंग करते हुए शहीद हो गए। पैगंबर अकरम ने उनके बेजान जिस्म को देखा और अफसरदा आवाज में अपने अतराफ मौजूद लोगों से कहा, साद की तलवार, खंजर, उसका घोड़ा और जज्दे खाकी उस खातून को जाकर दे दो जो उससे शादी के लिए राजी थी, और उसके बाप से कहना कि जिसके सियाह रंग की वजह से तुम अपनी बेटी उसे देने में मुतरद्दिद थे, उस साद की अल्लाह ने जन्नत में हूर से तजवीज की है। शहादत एक बुलंद मकाम है, लेकिन शहादत के मर्तबे के लिए उसके लायक हयात गुजारना जरूरी है। हजरत साद ने अपने नफ्स को छोड़कर अपने लिए शहादत को मुंतखब किया और अल्लाह ने उन्हें शहादत का अजीम मर्तबा नसीब किया। पैगंबर अकरम से उन्होंने अच्छी नसीहत हासिल की। अल्लाह हमें भी ऐसी जिंदगी अता करे और हमें हक के रास्ते पर चलते हुए शहादत का अजीम रुतबा अता फरमाए। आमीन आमीन। सोना। तुम वाकई अलबास्ती की बहन हो, हर शय की कीमत होती है। बाबा ने जिसके बारे में बताया था क्या ये वही जासूस है? ऐसा ही लगता है। तो ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। अब से इलबिल के खातून हमारे कबीले की खातून होंगी। कहीं यहां कोई सुरंग तो नहीं खोद रखी?
यह मकतूब तुम्हें फौरन हलाकू खान तक पहुंचाना है। आरिक बुका के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। किसी बाएतमाद शख्स को सरदारी के लिए मुंतखब कीजिए और जिरगे में हिमायत करें उसकी। एक शख्स है मेरे जहन में। बहुत मुश्किल होता है सरदारी का मनसब उस्मान, कुछ राज औलाद से भी छुपाने पड़ते हैं। अब मौका है तुम्हारे पास, पहले सरदारी हासिल करो और फिर मुझसे निकाह। अर्तुरुल सरदार एक मुहिम की वजह से दूर जा रहे हैं, पहले वो खैरियत से वापस आ जाएं, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे।